जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे हैं। उनके एक एक शब्द को सुनिएगा दोस्तों, और किस तरह से न सिर्फ वो अपनी खुद की पोल खोल रहे हैं बल्कि मौजूदा मीडिया की भी पोल खोल रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013-14 के इस इंटरव्यू में क्या कहा था। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। दो चीजें कहते हैं प्रधानमंत्री कि मौजूदा सरकार तो महंगाई की बात ही नहीं करती और मीडिया भी उसको महंगाई पर नहीं घेरता। प्रधानमंत्री, पहली बार 2014 से पहले उस वक्त का मीडिया सरकार से तमाम मुश्किल सवाल करता था। अब ये आपका जादू है कि 2014 के बाद आपने मीडिया को ऐसा पुचकारा है कि वो भीगी बिल्ली की तरह कोने में बैठ गई है और आपसे सवाल नहीं करती। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, 2014 को आप दोष मढ़ रहे थे उस वक्त की सरकार पर कि वो महंगाई पर बात नहीं करती, मगर आप मुझे कृपया बताने का कष्ट करें कि आपने पिछले कई दिनों से महंगाई पर कब चर्चा की है। इसलिए मैंने कहा कि मोदी ही मोदी की पोल खोल रहे हैं महंगाई के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों महंगाई किस तरह से तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। पेट्रोल आप जानते ही हैं 10-11 रुपए बढ़ चुकी है सिर्फ पिछले 15 दिनों में, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि CNG PNG के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, यानी कि घरेलू गैस से लेकर CNG तक आपके स्क्रीन पर एक एक करके हम पोल खोल रहे हैं दोस्तों। देश में महंगाई की मार से परेशान लोगों को एक बार फिर बढ़ती कीमतों ने परेशान कर दिया है। CNG की कीमतों में 2.5 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में CNG की कीमत बढ़कर 71.61 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं महंगाई के दौर में आपके घर का बजट भी बिगड़ने वाला है। PNG के दामों में 4.25 रुपए प्रति SCM का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में PNG की कीमत बढ़कर 45.86 रुपए प्रति SCM तक पहुंच गई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतिएगा? 2013 को जो आप ये बयान दे रहे थे महंगाई पर और मीडिया पर, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप कब महंगाई की बात करेंगे? अपने खुद के बयान को भूल गए आप? और मैं आपको बताता हूं दोस्तों हालत कितनी खराब है, एक बार फिर आंकड़ों के सहारे से आपके स्क्रीन्स पर। अब ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG की कीमत प्रति किलो 74.17 रुपए, मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 1 किलो CNG के लिए 78.84 रुपए, गुरुग्राम में 79.94 रुपए और रेवाड़ी में CNG की कीमत 82.07 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री, आपने पिछली सरकार पर दोष मढ़ा था कि वो महंगाई की बात नहीं करते, मगर आप तो 4 कदम आगे हैं। आपके अंदाजे बयां का क्या कहना है? जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तब आपने पिछले साल इसका दोष 7 साल पुरानी कांग्रेस सरकार पर मढ़ दिया था, याद है कि भूल गए? यानी कि दोस्तों ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान देश में समस्याएं थीं, मगर मैंने कभी मनमोहन सिंह को यह कहते नहीं सुना कि इसकी गलती पिछली सरकार की, कभी नहीं। और अगर वो कहते भी थे तो मीडिया उन्हें कटघरे में रखता था, मगर आप प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाजी करके निकल जाते हैं मगर आपको कटघरे में नहीं रखा जाता। याद दिलाऊं, पेट्रोल के बढ़ते दामों के बारे में आपने क्या कहा था आपके स्क्रीन्स पर। एज पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया सर्ज ओवर 100 रुपीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे ब्लेम्ड हिज प्रेडिसेसर्स फॉर द स्काई रॉकेटिंग फ्यूल प्राइसेस। ही क्लेम्ड दैट इफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैड फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द कंट्रीज एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस द मिडिल क्लास वुड नॉट हैव बीन दिस बर्डन्ड टुडे। पिछले साल ही आपने कहा था
कि अगर पिछली सरकारों ने ऊर्जा के आयात पर हमारी निर्भरता पर को कम ना किया होता या कम कर दिया होता तो पेट्रोल के दाम इतने नहीं बढ़े होते। और दुख की बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जिस तरह से ये बयान देते हैं मीडिया उन्हें कभी कटघरे में नहीं रखता। जो बयान मैंने आपको कुछ देर पहले सुनाया था उसमें मोदी जी ने 2014 की मीडिया को भी ब्लेम किया था, दोष मढ़ा था कि मीडिया कभी महंगाई की बात नहीं करती। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत ही शातिर सोच थी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे कि 2000 से 14 के पहले की मीडिया की विश्वसनीयता को खत्म कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो अपनी मीडिया खड़ी करना चाहते थे। 2014 से पहले की मीडिया सरकारों से सवाल करती थी, आज तो सरकारों से सवाल ही नहीं होता। और उस वक्त की मीडिया से नरेंद्र मोदी को क्यों चिढ़ थी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब 2002 में दंगे हुए थे, जब उस वक्त के मुख्यमंत्री ने हालात को बेकाबू होने दे दिया था तो मीडिया ने उनसे सवाल किया था, तभी प्रधानमंत्री एनडीटीवी बीबीसी से इतना ज्यादा चिढ़ते थे क्योंकि ये संस्थाएं उस वक्त मोदी सरकार की पोल खोल रही थी और यही खुंदक उनके दिमाग में थी मीडिया को लेकर। मगर अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों मोदी राज का मीडिया क्या कर रहा है, एक एक करके मिसाल दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आज तक देखिए, आज तक ने डिबेट किया, अब इस डिबेट की भाषा देखिए, अजान वर्सेस जय हनुमान, रमजान में हिंदू वर्सेस मुसलमान। हिंदू वर्सेस मुसलमान करना क्या मीडिया का काम है? और अगर आप बात कर रहे हो राजस्थान में बेकाबू होते हालात की तो आपको इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं बनाना था, यह कोई युद्ध नहीं हो रहा है और मीडिया कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है, मीडिया मीडिया है। आपको अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में रखना चाहिए कि आपकी इतनी वाहियात लॉ एंड ऑर्डर, आप जानबूझकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं क्योंकि इससे चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। आप कटघरे में रखिए अशोक गहलोत सरकार को, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों बाकी मीडिया का क्या हाल है, क्योंकि मीडिया को तो गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर इनकी मीडिया यानी कि आपके राज में मीडिया का क्या हाल है ये देखिए। रामनवमी पर पत्थर क्यों, जुबां पर डर हाथ में पत्थर, यानी कि एक कम्युनिटी को ब्लेम कर दिया। आगे देखिए साहब, अल्लाह को मनाना शोर क्यों मचाना। मैं इस मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूं, बनारस में जो कि प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी का यह नेता मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा देता है और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है। अजान मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं होती होगी सुबह और शाम के वक्त। मैं इस मीडिया से पूछना चाहता हूं कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर पे तो हम सवाल कर रहे हैं, मगर जो जगराते में रात रात भर लाउडस्पीकर पर शोर होता है उस पर कभी सवाल क्यों नहीं किया जाता है? ये तमाम मुद्दे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि इससे भाजपा को फायदा हुआ। यह है मोदी जी के जमाने की मीडिया। आगे देखिए साहब, इनकी हालत देखिए, इमरान की बेगम भागने वाली है, यह है हमारा मीडिया। आगे देखिए, लंका में आग मोदी आए याद। आगे देखिए साहब, धमकी वर्सेस दोस्ती किसे चुनेंगे मोदी, जैसे कि पुतिन और बाइडेन इंतजार कर रहे हैं मोदी जी हमें चुन लीजिए ना। दोनों अपनी बाहें फैलाकर शाहरुख खान के अंदाज में कह रहे हैं मोदी जी हमें चुन लीजिए ना। इस तरह से मीडिया वाहियात खबरें करता। आगे देखिए, ट्रेन से गिरेगा एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब ना हो गया दोस्तों, दिवाली में इस्तेमाल की जाने वाली फुलझड़ी हो गई, कितनी आसानी से लोग एटम बॉम्ब्स की बात करते हैं। आगे देखिए साहब, जिन हुए फेल इमरान से खेल। सच तो ये है दोस्तों, ये जो न्यूज चैनल्स है ना इसी किस्म के जिन्न चलाते हैं न्यूज चैनल्स को। आगे साहब, राम भक्त बाबर की लिंचिंग भी कबूल, भाजपा का साथ दिया बाबर को मार दिया, बाबर बोला योगी योगी कट्टरपंथियों ने ली जान। यानी कि हर जगह पर दोस्तों वही सांप्रदायिक उन्माद फैलाना। इसलिए मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त तो आपने महंगाई पर सवाल किया, पिछली सरकार पर आपने दोष मढ़ा, आपने मीडिया पर भी दोष मढ़ा कि साहब मीडिया तो महंगाई की बात नहीं करती, मगर मुझे बताइए ना जो आपका फेमस मीडिया है वो कब बात करता है महंगाई की?
आप कब बात करते हैं महंगाई की मोदी जी? मुझे बताइए, अपनी किस चुनावी सभा में आपने महंगाई का जिक्र किया है? बोलिए, क्या वजह है कि आप महंगाई जैसे मुद्दों से भागते हैं? क्या वजह है कि बढ़ते हुए पेट्रोल दामों के लिए आप दोष मढ़ते हैं पिछली सरकार पर? इन सवालों से कृपया ना भागिए, यही सवाल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे हैं। फिर से सुनिए किस तरह से पोल खोली गई। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया? कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तक जो तनाव चल रहा है उस पर पूरी तरह से खामोश है, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, 2005 में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था आज तक को, और उसके अंदर इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो हिंदू इस्लाम का विरोध करता है वो हिंदू नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री के शब्द हैं। क्या प्रधानमंत्री अपने कट्टर भक्तों को एक बार फिर राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दे सकते? सुनिए उस वक्त मोदी जी ने क्या कहा था। कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। आज जब देश दो भाड़ हो रहा है, जब राष्ट्रीय मीडिया महंगाई बेरोजगारी की चर्चा ना कर जहरीला प्रचार कर रहा है, तो मोदी जी आपको राष्ट्र के सामने आकर संबोधन करने से कौन रोक रहा है? 2005 का जो बयान मैंने अभी सुनाया, जिसमें आपने कहा कि जो हिंदू इस्लाम का विरोध करता है वो हिंदू नहीं, आप ये बात दोहरा क्यों नहीं सकते हैं? किसने रोका है सर आपको? अब तो आपके पास अपनी बात कहने के इतने मौके हैं, फिर भी आप ये बातें नहीं कह रहे हैं। क्यों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों आप इन मुद्दों से बच रहे हैं मोदी जी? देखिए, अपना तो फर्ज है, हम तो सवाल उठाएंगे और सवाल लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि यही एक पत्रकार का फर्ज होता है। ये सवाल बंद नहीं होंगे मोदी जी, आपकी पुरानी बातें आपको बार बार मैं याद दिलाते रहूंगा, जिस तरह से आज मेरे मंच पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बयानों को सुना। अब इशार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।